गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप अपनी जगह पे सुरक्षित हैं। तो आज हम हिंदी व्याकरण के अंदर अपना टॉपिक करने जा रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है उपसर्ग और प्रत्यय। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं प्रीफिक्स एंड सफिक्स। तो इन जो ये उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं, ये हमारे आम बोलचाल में और व्याकरण के अंदर इनका बहुत प्रयोग होता है। तो इनको जैसे हमारी कक्षाओं के जो एग्जाम होते हैं उनके अंदर इनका जिक्र होता है कि इन आप शब्दों को उपसर्ग लगा के या प्रत्यय लगा के कोई नया शब्द बनाए या इसके एग्जाम्पल दे। तो उस दृष्टि से यह जो टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो यह सभी कक्षाओं के लिए है। आप इसको ध्यान से देखें, सुने और साथ ही साथ इसको नोट करते जाएंगे। तो आप अपना कॉपी पेन निकाल लीजिए, हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें उपसर्ग, उपसर्ग होते क्या है? जो शब्दांश किसी मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला दे, चेंज ला दे, यानी कि उस जो मूल शब्द है उसका अर्थ चेंज हो जाए, तो वो क्या कहलाते हैं हमारे? उपसर्ग। यानी कि शब्दों के आरंभ में जुड़कर एक शब्दांश, इसके अंदर कहता है शब्दांश। शब्दांश का मतलब होता है शब्द का एक टुकड़ा, एक छोटा अंश, ठीक है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं अव जमा गुण। अब ये दो शब्द हैं, एक गुण होता है और एक अव। गुण का मतलब आपको पता है क्वालिटी किसी की, अच्छाई, और अगर उसके साथ अगर हमने शब्द एक शब्दांश जोड़ दिया अव, तो इसका जो नया शब्द बनेगा वो बनेगा अवगुण, और गुण का जो अर्थ है वहां पर इसका अपोजिट हो गया, बिल्कुल विपरीत हो गया, इसका विलोम हो गया। गुण का यहां पर अर्थ अव लगाने से अवगुण हो गया, यानी कि कुछ उसके अंदर नेगेटिव थिंग आ जाती है, ठीक है। गुण यानी कि डिसक्वालिटी हो गया, ये अवगुण, ठीक है। दोष, बुरा। हिंदी में पांच प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होता है। सबसे पहला जो हमारा उपसर्ग है वह है संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, अरबी या फारसी के उपसर्ग, चौथा संस्कृत के अव्यय जिनका प्रयोग उपसर्ग की तरह ही होता है, और लास्ट है हमारा अंग्रेजी के उपसर्ग, ठीक है। ये शब्दांश किसी भी शब्द के आगे जुड़कर, जो संस्कृत के हैं, हिंदी के हैं, अरबी के हैं, इंग्लिश के हैं या कोई अव्यय शब्द है, वो उनका अर्थ चेंज कर देते हैं। कैसे करते हैं? सबसे पहले जो हम करेंगे वो करेंगे हमारे संस्कृत के उपसर्ग, ठीक है। तो सबसे पहला हम लेते हैं, आप कॉपी में लिखते रहें, साइड में लिखें, सबसे पहले लिखें उपसर्ग, उसके बाद लिखें उसका अर्थ। अर्थ क्या होता है? अर्थ जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो पहले उपसर्ग, फिर अर्थ, और उसके बाद शब्द रूप के उनसे क्या क्या शब्द बनते हैं, ठीक है। हम यहां पर कुछ उदाहरण दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट उदाहरण है, आप इनको नोट करें। पहला है हमारा अ, ठीक है, वर्ण है ये, और इसको हम शब्दांश भी बोल सकते हैं, क्योंकि अ का अर्थ होता है नहीं या किसी चीज का अभाव, यानी के कमी। जैसे शब्द बनाया अमर, मर मतलब मरना, और अमर जो ना मरे, उसका अभाव यानी कि मरने का अभाव, यानी कि जो ना मरे अमर है वो, ठीक है। दूसरा है अधर्म, यानी कि धर्म का जहां पर अभाव या धर्म नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं? अधर्म। यानी कि अ जो उपसर्ग है वो अगर किसी शब्द के आगे लगाकर हम यूज करते हैं तो उसके अंदर वो उसकी नहीं या उसके अभाव का अर्थ उसके अंदर इंक्लूड हो जाता है, समाहित हो जाता है, जैसे अमर और अधर्म में हुआ है। उसके बाद जो नेक्स्ट शब्द है हमारा अन, अन का मतलब भी नहीं या अभाव ही होता है। अ और अन का जो मीनिंग है वो नहीं या अभाव होता है। जैसे शब्द है अनादर, अन जमा आदर, आदर नहीं होता जिसका, यानी कि जहां आदर ना हो वो क्या होता है? अनादर। और ऐसे ही अनावश्यक, कि जो आवश्यक नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं? अनावश्यक बोल सकते हैं।
तो इस प्रकार जो अन उपसर्ग के आने से उनका जो परिवर्तन उसके अंदर शब्द के अंदर हो जाता है। ठीक है, तीसरा जो आगे है हमारा अति। अति का मतलब क्या होता है? अधिक। अगर हम इसके लगा दें अतिरिक्त, एक्स्ट्रा, यानी कुछ है उससे अधिक कुछ है, अतिरिक्त एक्स्ट्रा है, या अतिकाल। ठीक है, तो अति का अर्थ जो होता है वो क्या होता है? अधिक। इस प्रकार हम अति उपसर्ग लगा के शब्दों को निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद है अधि। अधि का अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ। शब्द बनाए जैसे अधिनायक या अधिपति। अधिनायक, नायक से ऊपर, अरे कोई नायक है उससे भी ऊपर यदि कोई नायक है यानी कि श्रेष्ठ है तो हम उसको अधिनायक कह सकते हैं। इसके बाद है अनु। अनु का मतलब पीछे या समान, जैसे अनुज, अनुज, अनु जमा ज, जन्म लेने वाला है, यानी कि पीछे जन्म लेने वाला है, यानी कि अगर मैंने जन्म लिया है, मेरे बाद अगर किसी ने जन्म लिया है तो वो मेरा अनुज है। ठीक है, छोटा। अनुकरण, अनु मतलब पीछे और अनु प्लस करण यानी कि पीछे चलने वाला, अनुकरण। ठीक है, तो पीछे चलने वाला अनुकरण, अनु जमा करण, हम इसको ऐसे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे उपसर्ग और उनका अर्थ और उनका शब्द रूप। आगे हम डिटेल में इसी को करेंगे, जारी रखेंगे ये संस्कृत के उपसर्ग। ठीक है, तो आप देखते रहिए, अगर आपको कोई समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में जरूर लिखें या व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, हम आपको पूरी डिटेल बताते रहेंगे। ठीक है, अप का मतलब होता है बुरा या हीन। इसे जो शब्द बनेंगे अपमान या अपहरण। अभी, अभी का अर्थ होता है सामने या ओर, जैसे अभिमान या अभिशाप। ठीक है, उसके बाद आओ। आओ का मतलब भी होता है बुरा या हीन, जैसे अवगुण मतलब गुणों का, यानी गुणों की कमी, गुणों का अभाव, अवनति। ठीक है, इस प्रकार के शब्द बनेंगे। आ, आ का मतलब होता है तक या रहित, जैसे आ, आचरण। ठीक है, आ, आमरण, मरने तक। उत, उत का अर्थ होता है श्रेष्ठ, जैसे उत्पन्न, उत्तम। उसके बाद है उप। उप का अर्थ होता है पास या समान, जैसे उपग्रह यानी के ग्रह के पास, उपमंत्री, मंत्री के समान। दुर, दुर का अर्थ भी बुरा या कठिन, जैसे दुर्बल या दुर्गम। अब र इसके अंदर आधा है, हलंत वाला र है, तो इसकी हम ऊपर मात्रा लगाते हैं। ठीक है, नी, नी का होता है नीचे या निषेध। शब्द बनेंगे जैसे निबंध, निदान। ठीक है, उसके बाद है निर, इसमें भी र जो है हलंत वाला है, आधा माना जाएगा ये। नी का मतलब होता है बिना, जैसे निर्जल, जल के बिना, या निर्धन, धन के बिना। उसके बाद कुछ यहां पर दिए गए शब्दांश, जैसे निश मतलब नहीं या रहित, जैसे निसंतान या निसंदेह, इस प्रकार से शब्द बनेंगे इसके। उसके बाद है परा। परा का अर्थ होता है विपरीत, अपोजिट, उल्टा, जैसे पराजय, पराधीन। ठीक है, प्री, प्री का अर्थ होता है आसपास या चारों ओर, जैसे परिवर्तन, परिक्रमा या पर्यावरण। ठीक है, उसके बाद है प्र। प्र का अर्थ होता है आगे या अधिक, जैसे प्रचार या प्रगति। उसके बाद है वी। वी का अर्थ होता है भिन्न या विशेष, जैसे विजय या विवाद। ठीक है, विवाद जैसे स्पेशल विवाद, कोई विशेष विवाद, वाद विवाद। उसके बाद है हमारा सु। सु का अर्थ होता है साथ या अच्छा, जैसे
सुपुत्र यानी कि अच्छा पुत्र या सुविचार अच्छा विचार। अंत में हमारा स्व मतलब अपना, जैसे स्वदेश या स्वराज, ठीक है। इस प्रकार जो ये संस्कृत के हमने उपसर्ग किए हैं, इसी प्रकार हम करते हैं हिंदी के उपसर्ग, ठीक है। तो उम्मीद है आपने ये सब लिख लिए होंगे, आपको साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और मैं साथ साथ बोल भी रहा था इनको, तो उम्मीद है आपने ये नोट कर लिए होंगे। इसके बाद हम करते हैं हिंदी के उपसर्ग।